subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन अंतर्गत आर्थिक सांस्कृतिक सामाजिक क्रीडा आणि मनोरंजन क्षेत्रातील कार्यावरील निर्बंध नुकतेच उठवले आहेत, परंतु संबंधित सर्व संस्था आस्थापना कर्मचारी आणि नागरिकांना कोविड-19 प्रतिबंध नियमांचे पालन करणे ठराविक वेळेच्या आतमध्ये हॉटेल दुकाने रेस्टॉरंट बंद करणे बंधनकारक केले आहे. राज्य सरकारच्या नियमावलींची अंमलबजावणी न केल्यास 10,000 रुपयांचा दंड ठोठविण्यात आलेला आहे. नवी मुंबई हॉटेल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष श्याम शेट्टी यांनी गेली 1.5 ते 2 वर्ष विस्कळीत झालेल्या व्यवसायाबद्दल आणि सरकारच्या दंडवाढीबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सर्वेसर्वा शरद पवारांची भेट घेऊन सरकारचा दंड कमी करण्याबाबत आणि 2 वर्षामध्ये संपूर्ण दुकानदारांचे झालेल्या नुकसानाबद्दल चर्चा करून आम्ही कोरोनाचे सर्व नियम पाळत आहोत, यापुढेही पाळणार आहे, परंतु दुकानेही 12 वाजेपर्यंत तरी चालू ठेवा अशी मागणी पवार साहेबांकडे देखिए. नियम का हम लोग सब लोग पालन करते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, सैनिटाइजिंग करते हैं और 50% एवरेज में हम लोग बिताते हैं. गवर्नमेंट को इतना अभी साल डेढ़ साल दो साल होने आया तो ये जो होटल वाला का क्या प्रॉब्लम है, कितना तकलीफ में होटल वाला को कभी कोई गवर्नमेंट सोचा नहीं है कि भाई अभी इनका जो तकलीफ है उसको हम लोग भी कुछ साथ है. बाकी सब छोटा मोटा सब धंधे वाले के लिए गवर्नमेंट उनका कुछ दिया है. कुछ क्या टाइमिंग दिया है अभी फिलहाल? अभी टाइमिंग 10 बजे तक होटल में. देखिए उनका नेम हमेशा का जो टाइम है तो वो समझो कि रात को 7, 7:30, 8 बजे के बाद ये सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो या धंधे वाले उन्हें दो या कोई भी तो उन लोग थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अब तो उनको अभी 10 बजे किया. ये 10 बजे करने से कस्टमर को कितना तकलीफ होता है. जितना हमारा कस्टमर था वो अभी 50% के ऊपर कम हुआ. एक तो पहले से हम लोग 50% को बिठा रहे हैं, उन लोग को ये अलाउ करता है. उसमें भी अभी आते ही 8, 8:30 बजे के बाद एक चाय का दुकान तो है ही नहीं है कि भाई एक चाय लिया, थोड़ा मसाला दसा लिया, कुछ लिया तो खाया, चाय पिया, बिल दिया, चले गए. कम से कम हमारे को वो 12 बजे तक तो कम से हमारा तो ऐसा तो 1.5 बजे तक का टाइमिंग है. हम लोग लाइसेंस से हम लोग 1.5 बजे तक है. उससे अपने को कम से कम 12, 12:30 तक मिलेगा तो थोड़ा कुछ तो हम लोग सर्वे कर सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है. इसके अलावा गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट के लोग 10 बजे का टाइमिंग देता है तो 10 बजे का आके इधर आके खड़ा हो जाता है. बहुत से जो होटल में सब कंप्लेंट है, हम एज ए एक फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र का मैं ये अपना वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है. हम लोग ने सब पूरा महाराष्ट्र में बहुत जगह में जाके इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्या करने का. अभी किससे मिले आप इस समस्या को लेकर? ये समस्या को लेकर हम लोग शरद पवार जी से मिले हैं तो उन्होंने अपने आश्वासन दिया है कि ये कोरोना काल को हम लोग सोचेंगे. उसके लिए हम लोग अभी ये बढ़ता हुआ करके दिखा रहा है. अभी कितना बढ़ता है क्या हो गया वो किसी को अकाउंट तो है ही नहीं है. तो लेकिन वो नियम का पालन हम लोग करना ही है, वो हिसाब से अंदर जा रहा है. लेकिन शरद जी अपने पवार साहब ने तो उनको 3 मुद्दा हम लोग ने दिया सब. देखिए एक तो वैक्सीनेशन, जो होटल में जो कस्टमर आता है अगर वो वैक्सीनेशन डोज नहीं हुआ तो उनको 1,000-2,000 रुपये, ओनर को 10,000 रुपये का फाइन मारने का ये कई जगह में किया है. लेकिन वो कस्टमर को क्या मालूम है कि वो कस्टमर वो जो पूछेंगे कि भाई तो आप डोज लेते हो, वो पूछेंगे ना भाई तो आप कौन होता है पूछने के लिए. हमारा मांग है, हम लोग पहले से बहुत तकलीफ में है और तकलीफ नहीं देवे, हमारा धंधा करने के लिए दीजिए. और ये डिपार्टमेंट वाले को आके इधर टाइम में खड़ा हो जाता है उसको बंद करे. और कम से कम अपना 12 बजे तक तो मिनिमम 12 बजे तक वो चलेंगे तो हम थोड़ा भी तो सर्वाइव करेगा. ऊपर से लोन लिया है,
कोई कस्टमर ये जो स्टाफ है वो स्टाफ से एक बार बात गए उन लोग फिर से वापस आए, उनको बिठा के खिलाना पड़ता है, उनको बिठा के पगार देना पड़ता है ताकि अपना होटल वाला का तकलीफ को दूर करने का सुनाने का सुनने के एक क्षमता रखा है। इसके लिए मैं एज ए श्याम शेट्टी होटल एसोसिएशन का माजी अध्यक्ष, न्यू बॉम्बे होटल ओनर्स एसोसिएशन का माजी अध्यक्ष भी था और ये तकलीफ में हम लोग शहर। इबिजा मरीन सेंटर चे ओनर कैप्टन पार्थो दास यांनी फुटपाथ वरील व्यापाऱ्यांची सद्यस्थिती सांगून रेस्टॉरंट हा असा व्यवसाय आहे की इथे ग्राहक हे 9:30 नंतरच येतात, जोपर्यंत आपण कोरोनाचा टेस्ट करणार तोपर्यंत केसेस वाढत राहणार आहेत, त्यामुळे 10 वाजता दुकाने बंद करून कोरोना काही कमी होणार नाही। पहिले जो टाइमिंग दिया था उसमें कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अभी ये जो 10 बजे तक का डेडलाइन दे दिया है, मानो ऐसा लगता है कि 10 बजे के बाद कोरोना साहब बाहर निकलते हैं काटने के लिए। और लोग रेस्टोरेंट आएंगे, जो लोग भी आते हैं वो 9:30 के बाद ही लोग निकलते हैं, क्यों दफ्तर से आते आते उन लोगों को लेट हो जाता है, 7-8 तो बज ही जाता है, उसके बाद परिवार को लेके जब तक आते हैं तो 9-9:30 बजे ही आता है, और जब वो आने का प्लान रहता है तभी 10 बजे बंद हो जाता है। और इस तरीके से कोरोना को तो आई डोंट थिंक कोई कंट्रोल हो सकता है इसमें। और यहाँ 10 बजे सब सुनसान हो जाता है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है बहुत ही ख़राब है, भूख मतलब बोले तो एक तरफ से भूखमारी ही है, लेकिन वो हिसाब से जब आप देखते हैं कि फुटपाथ के फुटपाथ पर जो फूड स्टॉल्स वगैरह है वहाँ हिलने का जगह नहीं है, वहाँ पे कोरोना भाई साहब दिखाई नहीं देते हैं, जितने दिखाई देते हैं जितने सब तोड़फोड़ है, तोड़जोड़ है, ये हमारे होटल इंडस्ट्री के साथ ही चलता है, तो ये काफ़ी अन्याय है एंड दिस इज नॉट लॉजिकल ईदर आई डोंट थिंक। देखिए सीधी बात है, अगर IQ का टेस्ट लिया जाए ना, IQ का टेस्ट अगर लेंगे तो काफ़ी सारे इडियट्स भी बढ़ जाएंगे, तो टेस्ट जब तक चालू रहेगा तो केसेस तो बढ़ेगा, अगर बढ़ाना है तो केस बढ़ेगा और अगर नहीं बढ़ाना है तो केस नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो हिसाब से आप देखिए डेथ केस कितना है, मौत तो है ही नहीं बिल्कुल, तो ये केसेस बढ़ाए करके लोगों को एक डरावना का परिस्थिति पैदा करना, तो दिस इज आई एम 100% श्योर दैट दे आर क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट, जैसे एम्बुलेंस की घंटी पैंपू चलते रहता है, इन लोगों का प्रोग्राम्स दिया हुआ है इतना बजे से इतना बजे तक ये जगह में एम्बुलेंस का सायरन बजा के तहलका मचाना, तो ये माहौल क्रिएट करके बहुत हो गया। अभी हम लोग को चाहिए कि दुनिया वापस, देश हमारे वापस स्वस्थ के तरफ आए, हर एक के मुंह में हंसी हो, खुशी हो, स्वस्थ हो, ये क्या लगा दिया बीमारी पैदा करने का, ये अचानक हो गया एक के बाद एक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी सब आ रहा है, WHO भी आ रहा है, सब नया नया बीमारी का नया नामकरण लेके इन लोगों का थ्रेड सेरेमनी कर रहा है, अभी नया नाम ओमिक्रॉन नोवोक्रॉन जितना क्रॉन है सब आ जाएंगे, तो वी डोंट बिलीव दीज थिंग्स नाउ एनी मोर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ, इट्स अ फ्लू, इट्स अ SARS, इट्स अ पार्ट ऑफ SARS, सीरियस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसी का है एक चीज़, किसी में इंटेंसिटी कम है, किसी में झूठ बोल के ज़्यादा इंटेंसिटी दे दिया, लेट अस फेस इट, ये 10 बजे बंद करने से कुछ सुधार नहीं होने वाला है और न ही किसी का सेहत अच्छा होगा, अभी बहुत हो गया, हमें देखना है कि हमारे हिंदुस्तान में सेहत वाले लोग ज़्यादा दिखे और ये बीमार वाले सब कम दिखे। अभी वीडियो जर्नलिस्ट संदेश रेनोसे सह पंकज बेनवंसी यांचा रिपोर्ट आवाज टुडे वाशी। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।